नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन बहुत सारे हैं। तो उसमें से जैसे कि हैं राष्ट्रमंडल, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, नाटो, आसियान, सार्क, ईटीसी, जो हैं बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। तो हम लोग उनके बारे में भी देखेंगे, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसी में देखते हुए आज पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में कि यूरोपीय संघ क्या है, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो ये चीज़ सबको हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे और सीखेंगे और जानेंगे भी यूरोपीय संघ है क्या, यूरोपियन यूनियन है क्या। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। तो यह इम्पोर्टेंट है कि यूरोप के 28 देश जो राजनीतिक और आर्थिक सहायता करते हैं एक दूसरे को, वही इन्हीं का मंच है। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों को ये चीज़ मिल गई है कि इसमें टोटल 28 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो दोस्तों, इसकी जो मुख्यालय है वह है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। तो इससे हम लोगों को यह चीज़ भी मिल जाएगी। और अभी यूरोपियन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष जीन क्लाउड हैं, जो अक्टूबर 2019 तक इस अध्यक्ष पद पर रहेंगे। तो हम लोगों को इससे इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है उनके बारे में पता चल गया, इसका मुख्यालय कहाँ है वो भी पता चल गया, और इसमें कितने कंट्री हैं वो भी पता चल गया। तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस मंच में आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसमें जो भी प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो भी प्रशासन करना है, कैसे शासन करना है, कैसे संचालन करना है, ये चीज़ों का जो भी लागू होता है, जो भी साझेदारी होता है, वह सभी राष्ट्रों में, जितने भी राष्ट्र हैं उसमें लागू होती है, नहीं तो कई राष्ट्रों पर भी होती है। यूरोपियन संघ का उदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपियन आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने देख रहा है कि इसका जो उदय हुआ है, इसका जो स्टेब्लिश हुआ है, वह 1957 में हुआ है और रोम की संधि के द्वारा हुआ था। और इस समय 6 यूरोपियन कंट्री की आर्थिक मदद से हुआ था इसका उदय। तो दोस्तों, इसका उदय जो है उसको हम लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको याद करनी है कि 1957 में इसका स्थापना हुआ है और उस समय इसमें 6 देश थे। धीरे धीरे इसमें देशों की संख्या बढ़ती गई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1993 में मास्त्रिक संधि से इसका आधुनिक स्वरूप का नींव रखा गया। तो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेना है कि 1993 में मास्त्रिक संधि से इसका नींव रखा गया। फिर दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौता से इसका व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई और 1 जनवरी 2008 से शुरू की गई। तो यह भी था कि दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौता से इसका व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई, यह भी जाननी है। यूरोपियन यूनियन का राष्ट्रीय वाक्य जो है वह है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यह यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसका राष्ट्रीय वाक्य है। इसका राष्ट्रगान ओड टू जॉय है। तो इसका जो राष्ट्रगान है ओड टू जॉय है। हर देशों के, हर संगठन के अलग अलग राष्ट्रगान होते हैं, तो उसी टाइप से इसके भी राष्ट्रगान है और वह है ओड टू जॉय। यूरोपियन कंट्रीज की मुद्रा यूरो है और यूरो के साथ 11 अन्य मुद्रा भी चलती है। तो ये भी देखनी है कि यूरोपियन संघ का जो मुद्रा है वह है यूरो, मुख्य रूप से यूरो चलती है और अन्य 11 मुद्रा भी चलती हैं। इन 28 देशों में से केवल 19 देश ही यूरो को मान्यता दिए हैं। तो ये भी जाननी है कि 28 में से 29 देश ही यूरो को मान्यता दिए हैं, बाद बाकी देशों में अपने कंट्री की मुद्रा चलती है। अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरी सबसे अधिक कारोबार करने वाली
विदेशी मुद्रा है। तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिकी डॉलर के बाद जो दूसरी सबसे अधिक कारोबार करती है वह मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ के 21 देश नाटो के सदस्य भी हैं। तो दोस्तों नाटो भी एक संगठन है और यूरोपीय संगठन के जो भी यूरोपीय संघ के जो भी 21 देश हैं 28 में से वो भी नाटो के सदस्य हैं, ये भी जाननी है। यहाँ हर 5 वर्ष में सदस्यों को चुनाव होता है, तो ये भी देखनी है कि 5 साल में सदस्यों का चुनाव होता है, जैसे कि हमारे भारत देश में भी होता है कि 5 वर्ष के बाद चुनाव होती है। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय संघ को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। यह जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वह इसको यूरोप में शांति और सुलह एवं लोकतंत्र और मानवाधिकारों की उन्नति में अपना योगदान के लिए दिया गया है। तो दोस्तों इसको जो प्राइज मिला है वह शांति और सुलह के लिए और मानवाधिकार और लोकतंत्र की उन्नति को बढ़ाने में इसको यह नोबेल शांति प्राइज मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया यूरोपीय संघ के बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।